हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर महम धर्मशाला रोहतक के लिए 21 लाख रुपए और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नामदेव धर्मशालाओं के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही प्रदेश में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम नामदेव महाराज के नाम पर रखने की भी घोषणा की। हरियाणा का मान, विरासत का सम्मान, नायब सरकार काम दमदार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में आयोजित संत नामदेव जयंती के मौके पर प्रदेश भर से आए नामदेव समाज के लोगों को संबोधित किया। सीएम ने संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती पर महम धर्मशाला रोहतक के लिए 21 लाख रुपए और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नामदेव धर्मशालाओं के लिए कुल 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। मैं अभी तो आपको, क्योंकि काम चालू हो जाए उसके ऊपर 21 लाख रुपया कल ही जारी हो जाएगा इसके लिए, और 31 लाख रुपया मैं अलग अलग जो धर्मशालाएं हैं जो प्रधान हमें बताएंगे उनके लिए भी दे रहा हूँ। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का विकास लगातार हो रहा है। संस्कृति और विरासत को साथ लेकर हरियाणा नित नए आयाम गढ़ रहा है। संत शिरोमणि नामदेव जी की जयंती के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने महम धर्मशाला को 21 लाख, बाकी जगहों पर नामदेव धर्मशालाओं के लिए 31 लाख और प्रदेश में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम नामदेव महाराज के नाम पर रखने की भी घोषणा की। सीएम सैनी ने कहा कि संत शिरोमणि नामदेव जी ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में लगा दिया। उनका संपूर्ण जीवन मानव जाति के कल्याण को समर्पित रहा। इस मौके पर नामदेव समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाकर सम्मानित भी किया। नायब सैनी ने कहा कि सम्मान मेरा नहीं बल्कि समस्त नामदेव समाज का सम्मान है। वो इस पगड़ी के सम्मान को कभी कम नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे प्रदेश के हर समाज और हर वर्ग के लिए 24 घंटे खुले हैं। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर संत नामदेव समाज के लोगों द्वारा रखी गई एक दर्जन से अधिक मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। हरियाणा प्रदेश में किसी एक सरकारी संस्थान का नाम संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के नाम से रखा जाए, एक स्थान के ऊपर अवश्य उनके नाम से कोई शिक्षण संस्थान को रखा जाएगा, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। आपने दूसरी एक और मांग कही है कि नामदेव समाज सिलाई कढ़ाई कला बोर्ड बनाने की आपने मांग रखी है, उसका पूर्ण विचार हो करके इसके ऊपर भी कोई न कोई निर्णय वो जल्दी लिया जाएगा। सीएम ने इस दौरान बताया कि कैसे प्रदेश आज तरक्की की राह पर है। पिछड़े वर्ग पर सरकार का विशेष फोकस है। नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख की गई। नौकरियों में पिछड़ा वर्ग ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में जितना लाभ ओबीसी वर्ग को दिया है उतना पूर्व की सरकार ने कभी नहीं दिया। प्रदेश सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को पूरा मान सम्मान देते हुए सभी वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी फैसले लिए। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसका लाभ मिल रहा है, शुरू हो गया मिलना, जिससे वंचित थे, लंबे समय से वंचित थे। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना हैप्पी शुरू की है। योजना के तहत हरियाणा में अंत्योदय परिवारों को एक विशेष हैप्पी कार्ड दिया जा रहा है। कार्ड धारक हर साल राज्य परिवहन की बसेस में 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। कार्ड उन परिवारों का बनाया जा रहा है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्व की बात है कि ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सजग हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ओबीसी वर्ग को पूरा मान सम्मान देने का काम कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास की सोच के साथ योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का काम करते हुए लोगों को सशक्त बनाया जा रहा है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।